द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय, वी हैड वाई इज इक्वल टू एम एक्स, दिस इज द कर्व। अब इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो हम वहां पर जो अल्फाबेट जो कांस्टेंट प्रेजेंट है आपका, उसको रिमूव कर देते हैं। अब उसको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन भी उतनी बार करते हैं जितने वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। यहां एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, और एक्स का हो गया वन, तो एम की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। पुटिंग एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन फर्स्ट, यहां पे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन कर दो और वो वैल्यूज वहां पर रख दो, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे ही रिमूव हो जाएंगे आपका कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।